हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। हमारे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम्बलर 11 मोटरसाइकिल। रिसेंटली लॉन्च हुई थी, 2,03,000 की प्राइसेस हैं इसकी। बेस है हिमालयन पर, हिमालयन से 11,000 रुपये सस्ती है। कुछ फीचर्स भी डिफरेंसेस हैं और राइड करने में भी काफ़ी डिफरेंट है, तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो कलर ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश सा इसका कलर है। ये ग्रेफाइट रेड है, मैट सा फिनिश है, काफ़ी स्टाइलिश और यूथफुल दिखने वाली मोटरसाइकिल है। हिमालयन थोड़ी सीरियस लुकिंग है, ये थोड़ी फंकी सी दिखती है। अब आपको फीचर्स के डिफरेंसेस बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ फ्रंट से। ये देखिए इसका फ्रंट लुक है। व्हील यहाँ पर रेड पेन स्ट्राइप मिलते हैं। 19 इंच का यूनिट है, हिमालयन में आपको मिलता है 21 इंच का यूनिट। ट्यूब वाला ही सीएट का टायर लगा हुआ है। ब्रेक सेम है, टेलीस्कोपिक फोर्क भी सेम है, बट 190 mm का ट्रैवल है इसमें। हिमालयन में आपको 10 mm ट्रैवल ज़्यादा मिलता है। फिर यहाँ पर देखेंगे एक्सपोज रेडिएटर, ये टैंक एक्सटेंशंस, यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प सेम है, बट यहाँ पर कास्ट एल्यूमिनियम का कवर मिलता है। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, ये ऐसा दिखता है यहाँ से बाइक का लुक। साइड में देखेंगे काफ़ी बढ़िया और स्टाइलिश लगता है ये। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इंजन सेम है, वही 410 सीसी का सिंगल सिलेंडर यूनिट है। 25 एचपी की पावर, 32 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। ये आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm कम है इन कंपैरिजन टू द हिमालयन। यहाँ पर हिमालयन स्क्रैम 411 ब्रांडिंग। सीट हाइट 5 mm कम है। यहाँ पर 180 mm के ट्रैवल वाला रियर सस्पेंशन है, बट इसकी डैम्पिंग थोड़ी चेंज है। बाइक थोड़ी गंदी है, चला कर आया हूँ अभी, तो ये पीछे से देख लीजिए, ये साइड लुक देख लीजिए। ये 17 इंच का व्हील है, स्पोक व्हील है, स्प्रॉकेट साइज़ वगैरह सब सेम है एज द हिमालयन। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स देखेंगे, तो ये थोड़े पतले हैं हिमालयन से। टॉप बॉक्स माउंट नहीं कर सकते हैं, एक्सेसरीज में इसमें ऑप्शन नहीं है, हिमालयन में आपको ऑप्शन है। साइड बॉक्स ज़रूर है, और इसके अलावा और भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं हिमालयन स्क्रैम के साथ, तो वो आप रॉयल एनफील्ड के मेक इट योर्स इनिशिएटिव के थ्रू देख सकते हैं। बाकी सीट देखेंगे, सिंगल पीस यूनिट है, हिमालयन में आपको डुअल स्प्लिट सीट मिलती है। यहाँ पर रियर लुक देख लीजिए, ब्रेक लाइट, ये नंबर प्लेट काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया गया है। ये यहाँ का लुक, अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट है, और ऐसा इसका स्टांस है। स्क्रैम्बलर वाला जो लुक है काफ़ी अच्छे से कैरी ऑफ करती है हिमालयन स्क्रैम 411। अब आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिट एंड फिनिश लेवल्स कैसे हैं। ये इसका हैंडल बार देख लीजिए, काफ़ी चौड़ा हैंडल बार है, लेवरेज अच्छी मिलती है ट्रैफिक में चलाते समय। वो कैसे मिलती है और क्या रीज़न है इसके पीछे, ये सब मैं आपको एक डिटेल्ड रिव्यू में बताऊंगा, वो भी आने वाला है। तो व्हाट कार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। ये आपके यूजुअल बटन्स वगैरह ऑन और लाइट्स इंडिकेटर के, यहाँ पर इंजन क्यूल स्विच, ये आपका हैजार्ड इंडिकेटर, सेल्फ स्टार्ट, ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट करने के लिए बटन दिया गया है। तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ, ऑफसेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सिमिलर टू द मीटियोर। यहाँ पर आपको रेव काउंटर नहीं मिलता है, ट्रिप मीटर ज़रूर मिलता है। ये आपका ओडोमीटर है इस समय स्क्रीन पर, अब ये ट्रिप ए बी, ये आपका फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ये ट्रिपर नेविगेशन एज एन एक्सेसरी मिलता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही दी है, तो आपको एकदम एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। ये किल स्विच हुआ ऑन, ई सी यू स्टार्ट हुआ, और ये दबा सेल्फ स्टार्ट, वही आवाज़ है सिमिलर टू द हिमालयन। एक बार रैप करके भी सुना देता हूँ, तो ये थी नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन स्क्रैम 411। मोटरसाइकिल कैसी लगी कमेंट्स में बताएं हमें,
इसका फुल रिव्यू आने वाला है हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कीजिए। एंड ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।